आज यहाँ पर हम लोग मिले हैं तो हम सोचा कि इन लोगों से कुछ बातचीत करें, क्योंकि इनका कहना है कि हम बुंदेलखंड के छोटे केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम के लिए जा रहे हैं, और इन लोगों का कहना है कि हम लोग कानपुर से आए हुए हैं, तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका सफर कितने दिन का रहा। जी, क्या नाम है आपका? हमारा रामकरण द्विवेदी नाम है। द्विवेदी जी, आप कहाँ से आना हुआ? हमारा कानपुर से आना हुआ। कानपुर से आना हुआ, आप लोग कानपुर से कब चले थे? आज हमको हो गया 10-11 दिन। 10-11 दिन हो गया। तो जैसे 10-11 दिन के अंतराल में कोई रास्ते में आपको कोई परेशानी दिक्कत गई? कोई परेशानी नहीं। तो आपका क्या मानना है कि हम लोग जटाशंकर धाम कब पहुँच जाएंगे? कल पहुँचना है। कल जटाशंकर धाम? कल हमारे महल नंबर पर। इनका कहना है कि कल हम जटाशंकर धाम में जल चलाएंगे, क्योंकि कल सावन का पहला सोमवार है। और भी यहाँ पर कांवड़िया है, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा और जानूंगा कि किस उद्देश्य को लेकर के यह कांवड़ यात्रा इन लोगों ने शुरू की है। जी, क्या नाम है आपका? जी, अरुण कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, आप कांवड़ यात्रा लेके कानपुर से चले हैं, आपका उद्देश्य क्या है? जी, हमारा यह उद्देश्य है कि भोलेनाथ को जल प्रसर्पित करेंगे और हमारा सनातन धर्म जो है वो हमारा जागरूक है, इसी तरीके से सेवा करता है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम सनातन धर्म को लेकर के और यह सनातन धर्म को जगाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप दोस्तों जानते होंगे, हमारी युवा पीढ़ी आज नशे की तरफ जा रही है, और एक युवा पीढ़ी ये भी है जो अपने कंधों पर कांवड़ यात्रा लेकर के छोटे केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम के लिए जा रहे हैं। हमें बड़ा गर्व होता है जब ऐसे हमें कोई सनातन प्रेमी मिलता है। आप देख सकते हो अभी इस बच्चे की रेख नहीं आई है, लेकिन इसके एक भाव है कि हमको अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और कांवड़ यात्रा लेकर के जटाशंकर धाम जाना है। क्या नाम है आपका? मिश्रा जी, कब आना हुआ आपका? कब चले थे? हाँ, हो गया 10-11 दिन। 10-11 दिन जी जटाशंकर जा रहे हैं। तो आपने जब वहाँ से निकले होंगे, घर वालों से बात की होगी, उनसे बोला होगा कि जाना है, तो क्या बोला घर वालों? जी, अच्छा, जैसे आपकी टीम में काफ़ी लोग हैं, 8-10 लोग हैं, तो सभी ब्राह्मण समाज से हैं? जी जी जी, सभी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ये कांवड़ यात्रा लेकर के जटाशंकर धाम के लिए जा रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं इनकी खबर चलाएं। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मणों का एक उद्देश्य ही होता है कि हम अपने सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं। इसी के साथ यह लाइव प्रसारण बंद करता हूं, फिर किसी खबर के साथ आप लोगों के बीच मौजूद रहूंगा। नमस्कार।